मैं इससे भी कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब उनका नाम जानते हैं। जब भी हम लाइट का स्विच ऑन या ऑफ करते हैं और जब रेडियो को हम ऑन करते हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सिविलाइजेशन को डेवलप करने में काफ़ी बड़ा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजक न्यूटन और उनके साथी थॉमस एडिसन, इन सब ने साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खोजें की है। इनकी कई मिस्टीरियस खोजों के बीच एक खोज अल्टरनेटिव करंट की भी है। इस शख्स के द्वारा और भी कई खोजें की गई हैं। इसमें से वायरलेस कम्युनिकेशन, मॉडर्न इलेक्ट्रिक मोटर, लेजर, रडार टेक्नोलॉजी और एक्सरे, नियॉन, रोबोटिक्स और इसके साथ ही स्टार वार्स मूवीज की तरह ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर, इनकी वजह से ही हम इन सब पर और भी ज़्यादा खोज कर पाए हैं। कुछ 100 सालों के अंदर ही इनकी वजह से हमने कई तरह की खोजें की हैं। इनका नाम है निकोला टेस्ला। ये दुनिया के उन महानतम साइंटिस्ट में से एक हैं, जिनकी वजह से आज ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी तरक्की कर पाई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे साथ एंड तक इस वीडियो पर जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी है निकोला टेस्ला की और उनके द्वारा की गई खोजों की, जिस कारण आज इंसानियत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना एवोल्यूशन कर पाई है। इतिहास की किताबों में कभी भी उनके जीवन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपने आप से कई क्वेश्चन पूछे, जहां वो होटल में अकेले सब कुछ भुलाए हुए अकेले रूम में थे। ये बात जनवरी 1943 की है। ये उनकी आखिरी रात थी। तब कई सारी तस्वीरें उनके दिमाग में घूम रही थी। उनके अनुसार शायद लोग आज उन्हें उनकी खोजों के लिए याद ना करें, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग उन्हें उनकी खोजों के लिए जरूर याद करेंगे। ये सब बातें करने के बाद वो एक गहरी नींद में सो गए। 1882 का वो समय जब निकोला टेस्ला को उनके इलेक्ट्रिक मोटर के डिजाइन के लिए पुरस्कार मिले थे। उनकी इस खोज के लिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। जब पहली बार निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचे, तब वो एक इमिग्रेंट के रूप में अमेरिका आए थे। ये वो समय था जब वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आए थे। उस समय उनके ऐसे हालात थे कि उनके पास कुछ भी नहीं होने के बाद भी वो फिर भी न्यूयॉर्क में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने। उन्होंने अपने उस टाइम में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिन्हें देखने के लिए कई मशहूर लोग उनके पास आने लगे और उन्हें कई ऐसी खोजों में भाग भी लिया। मगर उनके इन्हीं कामों के बीच एक समय ऐसा भी आने वाला था जब एक वार होने वाला था उनके और थॉमस एडिसन के बीच में। एसी वर्सेस डीसी करंट, इन दोनों के बीच में एक युद्ध सा छिड़ गया था, जिसमें कि दोनों ही अपनी खोजों को बेहतर बता रहे थे। थॉमस एडिसन के अनुसार अल्टरनेटिव करंट बहुत ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसमें हजारों वॉट का इलेक्ट्रिक करंट था, बल्कि इनके मुकाबले डीसी करंट कुछ 100 वोल्ट ही उसमें होते थे, जिस कारण वो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता था। मगर दूसरी तरफ टेस्ला एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे थे जो नरक के अंधेरे में नहीं बल्कि स्वर्ग की रोशनी में होगी। थॉमस एडिसन के द्वारा बनाया गया बल्ब आने वाली भविष्य की रोशनी का एक स्रोत था। उस समय थॉमस एडिसन की लड़ाई टेस्ला के साथ ऐसी थी जैसे नाखून और दांत की हो। उस समय टेस्ला के एसी करंट के विरुद्ध कई लोगों के द्वारा कई अफवाहें फैलाई गई। एसी करंट के खिलाफ ऐसी अफवाहों को साबित करने के लिए कई लोगों ने आवारा पशुओं पर इस करंट को छोड़ दिया, जिससे कि लोगों को यह दिखाया जा सके कि ये करंट कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है एक इंसान के लिए। इन अफवाहों की वजह से अंत में एडिसन की जीत हुई। 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेस्टिवल में उनके द्वारा बनाया गया डीसी करंट से लाइट बल्ब से शिकागो फेस्टिवल को रोशनाया गया था। मगर इसके बाद टेस्ला और उनके पार्टनर जॉर्ज गेंट द्वारा नियाग्रा फॉल में दुनिया का पहला हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाया गया। यह उनके लिए एक जुए की तरह था। किसी को भी टेस्ला के इस काम पर यकीन नहीं था, मगर टेस्ला ये बात बाखूबी जानते थे कि उन्होंने आने वाले भविष्य को उज्जवल करने की नींव रख दी है।
उनके इसी काम ने उन्हें सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर इसके बाद टेस्ला की लाइफ में और क्या हुआ, इसका पार्ट टू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।